एक्सरसाइज 1.1 है, इसकी स्टेटमेंट्स और डेफिनेशन से हम गो थ्रू हो चुकी हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास उन्होंने कुछ वैल्यूज दे दी हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है या नहीं, इसको आप फाइंड करें, इसको रिप्रेजेंट करें। इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 इज 0 माइनस 1। सबसे पहले तो हम एडिशन देखते हैं, 0 का अगर मैं प्लस करूं 0 के साथ तो 0 है, 0 इसमें है, ठीक है, क्लियर हो गया। 0 को अगर प्लस करें माइनस 1 के साथ तो माइनस 1 गिवन होगा, वो भी इसमें है। अगर माइनस 1 को माइनस 1 में प्लस करें तो ये हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, तो यहां पर ये एडिशन नहीं है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देख लें, जीरो को अगर मल्टीप्लाई करें जीरो के साथ तो जीरो आएगा, जीरो को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस 1 के साथ तो जीरो आ जाएगा, अगर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस 1 के साथ तो ये 2 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 0 माइनस 1 इज नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इसी तरह से हमारे बाकी पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि उन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज के जो नेम है वो हमने बताने, तो इनके नेम हम बताते हैं। अगर हम इसका पार्ट नंबर 4 चेक करें, पार्ट नंबर 4, 4.1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। अगर किसी वैल्यूज में उसकी ऑपोजिट जो वैल्यूज हैं उसको हम ऐड करें तो उसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटी लॉ का। ये हमारी आइडेंटिटी लॉ प्रॉपर्टी होगी। आगे चेक कर लेते हैं, 7 भी इसी तरह से है। पार्ट नंबर इसका हम 9 चेक कर लेते हैं, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होगी, ये हमारे पास होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 देख लेते हैं, ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर सी। तो इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन हमने
इसकी एडिशन के अकॉर्डिंग जो है, इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है, इसको हल करना है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड इसकी ले लेता हूँ a प्लस बी ओवर c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर c इंटू ए प्लस 1 ओवर c इंटू बी। तो इस a को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ a ओवर c प्लस इस b को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ b ओवर c। तो हम देख सकते हैं a ओवर c प्लस b ओवर c इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो भी इसी तरह से है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट, इसी तरह से हमने करना है। माइनस 7 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 18 इज इक्वल टू माइनस 21 माइनस 10 ओवर 36। इसी तरह अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड इज माइनस 21 माइनस 10 ओवर 36। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 ओवर 36 माइनस 21 माइनस 1 ओवर 36 इंटू 10। यहां पर अगर देखा जाए 3 वन टाइम, 3 टू टाइम, 3 सेवन टाइम, 2 वन टाइम, 2 एट टाइम, 2 फाइव टाइम, तो मेरे पास गिवन हो जाएगा माइनस 7 ओवर 12 एंड माइनस 5 ओवर 18। तुम देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा आंसर हमने प्रूव कर दिया जी।